नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों आने वाले समय में बहुत सारे वीडियोस को यूट्यूब को डिलीट करना पड़ जाएगा। तो इसका रीज़न ये है कि आज तक जो है सो होता आ रहा था कि अगर आप जो है सो कोई वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, और आप किसी और का जो है सो वीडियो उसमें यूज़ करना चाहते हैं, और तो जो है सो आप यूज कर सकते थे फेयर यूज के अंतर्गत। फेयर यूज में होता था कि आप जो है आपका वीडियो कुछ बड़ा है और आप किसी और के वीडियो पे कमेंट करना चाहते हैं या कमेंट्री करना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो को उसमें डाल सकते थे और जो है सो यूज कर सकते थे। जैसे इसका एग्जांपल है रिएक्शन वीडियो। रिएक्शन वीडियो में होता है कि आप किसी और का वीडियो लेते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं, तो वो जो है सो फेयर यूज के अंतर्गत आता है और आप यूज कर सकते हैं सिंपल सा। लेकिन अब एक कानून बनने वाला है जो कि बन सकता है, अगर बन गया तो उसके बाद ये हो गया होगा कि मतलब उसके बाद आप जो है सो किसी का भी कोई भी कंटेंट रत्ती भर भी यूज नहीं कर पाएंगे। ये जो है सो यूरोप में जो है सो फिलहाल जो है सो लागू होगा, और अगर ये पूरी दुनिया के लिए लागू हो गया तो फिर जो है सो कहीं भी किसी भी कंट्री में जो है सो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे थोड़ा सा भी कंटेंट। लेकिन फिलहाल अभी ये यूरोप में ही लागू होगा अगर कानून बन गया तो, आर्टिकल 13 के अंतर्गत। तो हुआ ये है कि मतलब यूरोप में जो है सो बड़ी बड़ी कंपनियों ने केस कर दिया कि जो है सो वो चाहती थी कि उसका कंटेंट कोई भी जो है सो जरा सा भी यूज ना करे, तो उन्होंने जो है सो केस कर दिया। और जो है सो एक केस करने के बाद जो है सो ये केस चला बहुत दिनों तक, और उसके बाद जो है सो कितना तारीख को सितंबर में 12 सितंबर को जो है सो उनको बहुमत मिल गया और वो जीत गई। उसके बाद जो है सो एक और जो है सो मतलब एक और बार जो है सो लिया जाएगा पोलिंग होगा, एक और बार जो है सो वोटिंग होगा, वो होगा आपको जो है सो जनवरी के महीने में 2019 में। तो उसमें जो है सो अगर एक बार और जीत जाती हैं वो लोग तो ये कानून में बन जाता है, कानून बन जाएगा उसके बाद। तो जब जैसे ही कानून बनेगा तो उसके बाद होगा ये कि मतलब आप ज़रा सा भी कंटेंट यूज़ नहीं कर पाएंगे यूरोप में, और आपका सारा वीडियो ब्लॉक हो जाएगा यूरोप में अगर आप किसी का भी सामान ज़रा सा भी यूज किए हैं तो। फिलहाल तो यूरोप में बंद होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर वो पूरी दुनिया के लिए लागू हो गया तो फिर जो है सो पूरी दुनिया में जो है सो बहुत सारा जो है सो वीडियो बैन हो जाएगा, बहुत सारा वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा, बहुत सारा वीडियो जो है सो आप अपलोड ही नहीं कर पाएंगे अगर किसी का जो सामान आप यूज़ किए हैं उसमें तो। और ये इससे जो है सो यूट्यूब को भी नुकसान होगा और क्रिएटर को भी नुकसान होगा, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि थोड़ा मोड़ा जो है सो मतलब दूसरे का जो है सो सामान यूज़ करते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उन लोगों का तो शायद चैनल ही पूरा डिलीट करना पड़ जाए, क्योंकि उन लोगों सारा वीडियो जो है सो थोड़ा जो है सो खासकर रोस्टिंग वाले जो है सो थोड़ा मोड़ा कंटेंट किसी न किसी का यूज़ करते हैं, रिएक्शन वाले थोड़ा कंटेंट यूज़ करते हैं किसी का, तो ऐसे चैनल जो है पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा। तो यही खतरा बना हुआ है आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो है सो मतलब कि मतलब यूरोप यूनियन में जो है सो कानून पास हो जाएगा और उसके बाद जो है सो सबका जो है सो सफाई हो जाएगा एकदम से, यूट्यूब पे अच्छा खासा सफाई हो जाएगा कि मतलब कोई भी जो है सो किसी का भी कंटेंट यूज नहीं कर पाएगा। तो यही एक खतरा है, और ये और कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा खोच खाँच नहीं है, बस इतना ही है। और तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल सा बात है, अगर आर्टिकल 13 जो है सो लागू हो जाता है तो उसके बाद आप समझ लीजिए एक पूरी दुनिया में एक तरीके से आप किसी का भी जो है सो कोई सामान यूज़ नहीं कर पाएंगे, और अगर आप यूज़ किए हुए हैं ऑलरेडी तो आपका वीडियो डिलीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 13 क्या है और जो है सो इससे लागू होने से जो है सो क्या इम्पैक्ट हो सकता है यूट्यूब पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद जय भारत, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।